दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों अभी अभी रेलवे की तरफ से नर्सिंग के लिए नई अपडेट यहां पे लेकर आ चुका हूं, बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है। आपको बता दें, एक 2024 के लिए अपडेट है और एक दोस्तों 2019 के लिए अपडेट है। आप लोग यहां पे देखोगे आरआरबी प्रयागराज, इसके अलावा सभी आरआरबी की वेबसाइट पर नोटिस यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है और इस नोटिस के बारे में A to Z सारी जानकारी देने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊपर रेलवे नर्स भर्ती 2024। दोस्तों रेलवे की तरफ से 2019 में जो है वैकेंसी निकाली गई थी, 1900 प्लस यहाँ पे वैकेंसी जो है पैरामेडिकल कैटेगरीज में जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें एक पोजीशन है स्टाफ नर्स, इनके लिए नई अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। आज है दोस्तों 7 सितंबर और 6 सितंबर की डेट में जो है नई अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, RRB CEN नंबर 02/2019 2019 की भर्ती पैरामेडिकल कैटेगरीज नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो है डाइवर्जन पैनल लिस्ट यहां पे जारी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आप लोग यहां पे देख सकती हो, डाइवर्जन पैनल लिस्ट यहां पे पब्लिश किया गया है, सभी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे पैनल लिस्ट के बारे में, कितने कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है और इनकी रैंक कितनी है और इनकी जो है मार्क्स कितने थे, इन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नई अपडेट है और ये दोस्तों CEN नंबर 02/19 के लिए अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। क्लियर है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले RRB प्रयागराज के ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आपको जाना है गूगल पर, RRB इलाहाबाद आपको सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे देखोगे RRB इलाहाबाद की वेबसाइट है और आपको जाना है डायरेक्ट वेबसाइट पर। जैसे आप लोग क्लिक करोगे होम पेज यहां पे ओपन हो जाएगी। ये दोस्तों नोटिस का पेज है, RRB इलाहाबाद की बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है। और आप लोग देखोगे फ्राइडे को जो है, फ्राइडे 6 सितंबर 2024 शाम को जो है नोटिस यहाँ पे पब्लिश की गई है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 4 सितंबर को जो है CEN नंबर 04/2024 कॉरिजेंडम नंबर 2 पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए नोटिस पब्लिश की गई थी। और इस नोटिस के माध्यम से मैंने आपको बताया था, अगर आपने जो है देखिए, अगर आपने यहाँ पे जो है कोई सर्जरी करवा रखा है, कोई भी अगर आपने जो है सर्जरी यहाँ पर करवा रखा है, तो आप लोग फिर भी जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है B1, उसके लिए फॉर्म भर पाओगे। यहाँ पे देखिए, पहले था कि अगर आपने कोई जो है, जैसा कि अगर आपने कोई लैसिक सर्जरी करवा रखा है, लैसिक सर्जरी यहाँ पे करवा रखा है या कोई अदर यहाँ पे सर्जरी करवा रखा है, तो आप लोग मेडिकल स्टैंडर्ड B1 पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन पहले था, लेकिन अब जो है इसे संशोधन कर दिया गया है, इसे जो है सही कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। और जो पैरामेडिकल कैटेगरीज की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप लोग 16 सितंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसमें जो है बहुत सारे पोस्ट हैं मेडिकल स्टैंडर्ड B1 के लिए। अब उसमें अगर आपने कोई लैसिक सर्जरी करवा रखा है या कोई भी सर्जरी करवा रखा है एक साल के अंदर, और आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है बिल्कुल ऑफिशियल, तो आप लोग जो हैं सर्जरी करवा रखे हो उसके बावजूद भी आप लोग जो हैं अभी जो है मेडिकल स्टैंडर्ड B1 के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे आप लोग सब कुछ देखिए, नोटिस मेंशन है और यह 4 सितंबर और 3 सितंबर की डेट में जो है अलग अलग वेबसाइट पर, RRB की वेबसाइट पर नोटिस पब्लिश किया गया है। मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अभी बात करेंगे 2019 में जो वैकेंसी निकाली गई थी नर्सिंग के लिए, उनकी अपडेट है। फ्राइडे सितंबर 6/2024 डाइवर्जन पैनल लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। एक कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनका जो है फाइनली उन्हें सेलेक्ट यहाँ पर कर लिया गया है। डाइवर्जन पैनल 2 RCF कपूरथला फॉर पैरामेडिकल कैटेगरी अंडर CEN नंबर 02/2019। चलिए नोटिस यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। और अगर हम बात करते हैं तो 6 सितंबर को जो है शाम को पब्लिश की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड प्रयागराज, नियर रेलवे हॉस्पिटल सूबेदारगंज प्रयागराज 211015, यहाँ से पब्लिश की गई है। डाइवर्जन पैनल 2 RCF ऑब्लिक कपूरथला फॉर पैरामेडिकल कैटेगरीज अंडर CEN नंबर 02/2019। यहाँ पे देखिए, इन्हें जो फाइनली सेलेक्ट यहाँ पे कर लिया गया है, ये आप लोग देख सकते हो। डाइवर्जन पैनल 2 RCF कपूरथला, बाकी आप लोग पढ़ लेना। इनके जो कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट प्रिफ्रेंस एंड कम्युनिटी बेसिस जो इनको सेलेक्ट कर लिया गया है। पोस्ट नेम दिया गया है स्टाफ नर्स कैटेगरी नंबर 02 RCF कपूरथला, कैटेगरी नंबर 2
स्टाफ नर्स में जो है इन्हें यहाँ पे फाइनली जो है सेलेक्ट कर लिया गया है। आप लोग पढ़ सकते हो, इनका जो है सीरियल नंबर 1 रोल नंबर दिया गया है 12290218408013 कम्युनिटी है EWS है। EWS में जो है इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया है। इनका जो नॉर्मलाइज स्कोर है 59.55 है इनका जो है नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, और इन्हें जो है EWS में सेलेक्ट कर लिया गया है। इनका ओवरऑल रैंक जो है 406 है, और इन्हें जो है फाइनली यहाँ पे RCF कपूरथला के लिए सेलेक्ट यहाँ पे कर लिया गया है। आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। अब बताया गया है कि अब इनका जो है फिर से अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन, अब इनका जो है फिर से RCF कपूरथला में जो है इनका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इनका फिर से जो है मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अगर ये बाई चांस अनफिट हो जाती हैं तो फिर जो इनकी उम्मीदवारी है कैंसिल कर दी जाएगी, अब इन्हें कोई भी चांस नहीं मिलेगा, साफ साफ बताया गया है। अभी जो है एक बार फिर से इनका मेडिकल फिटनेस होगा, और अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही जल्द यहाँ पर मेडिकल फिटनेस यहाँ पर होने वाला है। आपको मैसेज किया जाएगा, साथ ही इसी वेबसाइट पर आपकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। अभी आपको फाइनली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया है। अब आपको सबसे पहले RCF कपूरथला जाना है, वहाँ पे जो है आप लोगों का फिर से मेडिकल फिटनेस होगा। मेडिकल फिटनेस क्वालिफाई करने के बाद फिर से जो है आप लोगों का कहाँ पर होगा DV, तो यहाँ पर बताया गया है। देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर PCPO RCF कपूरथला, ये जो अधिकारी हैं इनके अंडर में आपका मेडिकल फिटनेस होगा। इसको क्वालिफाई करना 100% क्लियर है, आपको क्वालिफाई ही करना। अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर आपको जो है आपकी जो उम्मीदवारी है कैंसिल कर दी जाएगी। बाई चांस अगर आपने मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे जो है फिट पाए जाते हैं और आपका जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट है आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर आप लोगों का जो है फिर आपको जो है फिर से यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर RCF कपूरथला के अंडर में आपको फिर से DV होगा। आपकी डिग्री, डिप्लोमा, कास्ट सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, 2 से 3 बार वेरीफाई किया जाएगा, चेक करके वेरीफाई किया जाएगा। और जब आप लोगों का जब आपका वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जो है फिर से एक आप लोगों का फाइनली जो है ऑफर लेटर जारी किया जाएगा, और फिर आप लोगों फिर जो है आपको यहाँ पे RCF कपूरथला में जो है ज्वाइनिंग यहाँ पे मिल जाएगी। साफ साफ यहाँ पे मेंशन है नोटिस नंबर 40/2024, डेट मेंशन है 6 सितंबर 2024, चेयरमैन RRB प्रयागराज। तो चेयरमैन RRB प्रयागराज की तरफ से ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। आपका रोल नंबर है पढ़ लेना, EWS में जो है आपको सेलेक्ट किया गया है। आपका जो है नॉर्मलाइजेशन स्कोर है आउट ऑफ 100 में 59.55, आप लोग चेकआउट कर लो। इन्हें जो है फाइनली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया है RCF कपूरथला के लिए। इनका पोस्ट नेम दिया गया है स्टाफ नर्स कैटेगरी नंबर 2 में जो है इन्हें फाइनली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया है। ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और भी बहुत सारे डाइवर्जन पैनलिस्ट यहाँ पे आने वाली हैं, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। बाकी 2024 में जो है नई वैकेंसी आ चुकी है, और अभी आप लोग जो हैं अगर आप लोग 2024 के लिए फॉर्म भरने वाले हो और आपका सिलेक्शन जो है 2019 में नहीं हुआ था, तो आप लोग फिर से 2024 के लिए फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। 16 सितंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। धन्यवाद।